प्रिय विद्यार्थियों वाई डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है आज मैं आपको एयरफोर्स वाई ग्रुप में आने वाले रीजनिंग के पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा रहा हूं जो टॉपिक जहां रीजनिंग आती है वहां वो टॉपिक बहुत जरूरी माना जाता है और बेसिक टॉपिक माना जाता है उस टॉपिक का नाम है वर्णमाला अल्फाबेट ये वो टॉपिक है जहाँ रीजनिंग प्रारंभ होती है वहां इस टॉपिक का आना जरूरी है चाहे किसी भी लेवल की रीजनिंग हो चाहे बैंक एस एस रेलवे एयरफोर्स किसी में हो जहां रीजनिंग आएगी वहां वर्णमाला टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है ये वर्बल रीजनिंग का सबसे बड़ा भाग है तो सामान्य वर्णमाला के बारे में हम सभी जानते हैं कौन कौन सी वर्णमाला ए से लेके जेड तक होती है अल्फाबेट होती है देखिएगा ये होती है ए बी सी डी इस टाइप से आगे चलती है पी क्यू आर एस टी इस से आगे चलती W X Y Z ये है वर्णमाला सभी को पता है ए से लेके जेड तक सभी अक्षर होते हैं इसमें देखिएगा क्या होते हैं पांच स्वर होते हैं व्यंजन और इक्कीस व्यंजन होते हैं वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स ये ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर पांच स्वर रहेंगे और 21 आपके रहेंगे व्यंजन कॉन्सोनेंट अब देखिए ये अल्फाबेट ए से लेके जेड तक है तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं यदि जैसे ये कहता बाएं से आपको ये कहता है बाएं से तो आप ए से जेड की तरफ जाओगे यदि वो कहता है दाएं से तो आपको जेड से ए की तरफ आना होगा इसके अलावा यदि जैसे इसे बीस में से कोई से अपने आर को उठा दिया तो इसका ये भाग इसका बाएं होगा और इधर वाला भाग इसका दाएं होगा देखिएगा जैसे आर के बाएं कोण है आर के दाएं कोण है एस इसी प्रकार से सी के बाएं कोण है बी सी के दाए कोण है डी और ये वर्णमाला ऐसे कंटिन्यू रहती है जेड के बाद वापस ए आ जाता है बी आ जाता है इस प्रकार से चलती रहती तो है कंटिन्यू तो देखिएगा ये जेड है जेड के बाएं कौन होगा वाई और जेड के दाएं कौन होगा ए मतलब ये दाएं रहेगा इस प्रकार से बाएं दाएं का कॉम्बिनेशन रहता है आपको ये विशेष याद रखना है अब देखिए बाएं से आपका होता है तो ए से जेड और दाएं से होता है मतलब याद रखिएगा बाएं से अर्थात आपको ए से जेड की तरफ जाना होगा और दाएं से कहते हैं तो जेड से ए की तरफ आना होगा ये बाएं और दाएं इसके अलावा देखिए यदि वो कहता है बाई और।, और तो आपको जेड से ए की ओर आना होगा यदि वो कहता है दाई और तो आपको ए से जेड की तरफ जाना होगा ये कुछ बेसिक जानकारी याद रखिएगा बाएं से कहेंगे तो ए से जेड की तरफ जाएंगे दाएं से कहेंगे तो जेड से ए की तरफ जाएंगे बाई और बाई और मतलब जेड से आना है ए की तरफ जेड से ए की तरफ दाई और मतलब ए से जेड की तरफ जाना है ये है वर्णमाला अब देखिएगा ये तो बेसिक जानकारी वर्णमाला की अब वर्णमाला सभी को याद होनी चाहिए कि वर्णमाला कहाँ और कैसे में ली जाती नेक्स्ट देखिएगा वर्णमाला आप लोग सभी को पता है इस प्रकार से ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एंड एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी w x y z ये वर्णमाला है a से लेके m तक यहाँ लिखी हुई है तो तेरह नंबर पे चौदह से लेके छब्बीस तक ये लिखी हुई है तो इनके नंबर क्रमांक भी आपको याद रखने होंगे कैसे एक नंबर पे ये दो नंबर तीन नंबर चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस एंड छब्बीस देखिए वर्णमाला में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रहती है कि इनके नंबर क्रमाक नंबर क्रमांक कैसे जैसे पांच पे कौन आता है तो ई जैसे तेरा पे कौन आता है एम जैसे टी पे कौन बीस पे कौन आता है टी जैसे पच्चीस पे कौन आता है वाई ये नंबर क्रमांक आपको याद रखने हैं देखिएगा ये जो इसको बोलते हैं ए से जो ए, एम तक लिखा गया है इसको प्रथम अर्धांश बोलते हैं प्रथम अर्धांश फर्स्ट हाफ अल्फाबेट जो है ए से लेके एम तक एक से लेके तेरा तक द्वितीय अर्धांश जिसको बोलते हैं सेकेंड हाफ अल्फाबेट जो कहलाएगा एन से लेके जेड तक चौदह से लेके छब्बीस तक फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ ध्यान रखिएगा फर्स्ट हाफ ए से एम तक सेकेंड हाफ एन से लेके जेड तक तो प्रथम अर्धांश और तृतीय अर्धांश इनके नंबर क्रमांक रटे हुए रखने चाहिए इनको याद रखने के लिए सामान्य हम यूज करते हैं एक शब्द याद रखिएगा ई e जो टी मतलब इसको अपन कह सकते हैं जो अर्थात ये, ये दस नंबर पे ये पंद्रह पे ये बीस पे ये पच्चीस याद रखने की ट्रिक है बाकी आप रटकर याद रखो ए से लेके जेड तक आपके रटे हुए रहने चाहिए तेरह नंबर पे कौन है सत्रह नंबर पे कौन है अठारह नंबर पे कौन है बाएं से दाएं और दाएं से बाएं रखने के लिए आप एक वक... यूज कर सकते हो बगल कव क्यू वी अर्थात ये पांच ये दस ये पंद्रह ये बीस और ये पच्चीस ये यहां से बाय अपने याद रखने के लिए सिस्टम में काम ले सकते हैं बगल कव इसको बोलते हैं बगल कव ये याद रखने के लिए एक ट्रिक है जिसको आप काम में ले सकते हो बी जी एल क्यू वी इधर से लोगे पांच दस पंद्रह बीस पच्चीस इधर से लोगे पच्चीस बीस पंद्रह दस पांच ये आपको एक याद रखने की सामान्य ट्रिक है लेकिन आप इसको रट के रखो सबसे बढ़िया रहेगा ये मैंने इसलिए इस टाइप से इसलिए लिखी गई है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हर बार काम आएगी देखिएगा इसको कैसे काम में लेना है देखिए इसको ए से जेड इसको आपको याद रखने के लिए ए से जेड के लिए आप यूज कर सकते हो आज मतलब ए के विपरीत जेड है या जेड के विपरीत ए है इसी प्रकार इसको याद रखने के लिए बाय बी वाई इसको याद रखने के लिए सिक्स सी एक्स इसको याद रखने के लिए दूध वाला, डब्ल्यू इसको याद रखने के लिए फ्यू एफ यू इसको याद रखने के लिए गौरव टॉवर जी टी कह सकते हैं इसको याद रखने के लिए हायर सेकेंडरी इसको याद रखने के लिए इंडियन रेलवे इसको याद रखने के लिए जोधपुर क्वीन इसको याद रखने के लिए काला पानी इसको याद रखने के लिए मन एम एम याद रखने का मतलब यहाँ पर यह है कि ये एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है जो कोडिंग डिकोडिंग के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि भैया देखिए के, के के विपरीत कौन होगा तो अपन दिमाग में आएगा फ्यू एफ और यू आपस में विपरीत है जैसे एम के विपरीत कौन है तो अपने दिमाग में आएगा मन एम और एन आपस में विपरीत है इसके अलावा मैंने एक वर्ड छोड़ा है तो इसके लिए अपन ये सब यूज कर सकते हैं एल ओ वी ई e, लव अर्थात एल और ओ आपस में विपरीत है और वी और ई e आपस में विपरीत है एल के विपरीत ओ है या ओ के विपरीत एल है वी के ई e है या ई e के विपरीत वी है ये आपको रटकर याद रखना है जो अपने कोडिंग डिकोडिंग के अंदर और अल्फाबेट दोनों के अंदर काम आते बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये आपको बिल्कुल और इनके नंबर क्रमांक भी याद रखने हैं सभी के लिए गौरव टॉवर है इंडियन रेलवे हायर सेकेंडरी आपको रटना है देखिएगा नेक्स्ट इसका कैसे क्या रहता है देखिए नेक्स्ट इसका क्वेश्चन आता है के प्रश्न में के बाएं या के दाएं अर्थात के बाएं और के दाएं आ जाता है तो ध्यान रखिएगा दिए गए अक्सर को साथ में नहीं गिनते हैं अर्थात दिए गए अक्षर को साथ में नहीं गिनते हैं याद रखिए है, के का मतलब कैंसिल वो कैंसिल हो गया कैसे प्रश्न कैसे आता है देखिए जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में जी के बाएं तीसरा अक्सर क्या है देखिएगा प्रश्न अंग्रेजी वर्णमाला में जी के बाएं तीसरा अक्सर क्या है यहां क्या आया के बाएं के बाएं देखिए अल्फाबेट क्या होती है ए बी सी डी ई एफ जी एच ये होती है मैंने तो अब जी के जी यहां जी के बाएं मतलब के का खुद को कैंसिल कर दो एक दो तीन ये आ जाएगा डी के जी के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा तो इसका आंसर होगा डी देखिए के से याद रखना दिए गए अक्षर को कैंसिल करना है अर्थात तो उसको साथ में नहीं गन, गिनना है तो जी सात नंबर पे आता है तीन नंबर माइनस कर दोगे तो, तो चार नंबर चार नंबर पर कौन आएगा डी इसी प्रकार से ये आता है से बाएं या से दाएं यदि से बाएं और से आ जाता है तो दिए गए अक्सर को साथ में गिनते हैं देखिए से बाएं या से दाएं तो दिए गए अक्षर को साथ में गिनते हैं से का मतलब ले लेना साथ में या जो से वर्ड आ रहा है इसका मतलब साथ याद रखना या के वर्ड आ रहा है इसका मतलब कैंसिल याद रखना कैसे देखिए उदाहरण कि अंग्रेजी वर्णमाला में ई ई e से दाएं तीसरा अक्षर क्या है देखिएगा प्रश्न अंग्रेजी वर्णमाला में ई e से बाएं तीसरा अक्षर क्या है तो वर्णमाला आपको पता होनी चाहिए वर्णमाला रखी हुई रहनी चाहिए देखिए वर्णमाला ए बी सी डी ई e, एफ जी एच आई इस प्रकार से होती है। तो ई हेरा ई से बाएं यहां क्या लिखा है से दाएं तो ई का दाया इधर होगा से का मतलब ई को खुद में साथ में लेना है एक दो तीन ई हो जाएगा जी से दाएं का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा जी हो जाएगा सात नंबर अक्सर हो जाएगा आपके कौन सा हो जाएगा जी ध्यान रखिएगा ये के में और से का अंतर से आते ही साथ में आ जाना चाहिए और के आते ही दिए गए अक्षर को कैंसिल कर देना होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट में आता है आपके पर्सन के अंदर बाएं, बाएं या दाएं, दाएं एक ही प्रश्न में या तो बाएं बाएं आ जाए या दाएं दाएं आ जाए तब देखिएगा बड़े अक्सर में से छोटे अक्सर को घटाते हैं इसके विपरीत यदि प्रश्न में आ जाता है बाएं दाएं या दाएं बाएं दोनों विपरीत कंडीशन आ जाता है तब दोनों अक्षरों को जोड़ देते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिक्स है इसके आधारित ये क्वेश्चन रहता है इस नियम के आधारित कि बाएं बाएं या दाएं दाएं दोनों आ जाते हैं एक जैसे उस कंडीशन में बड़े अक्षर में से छोटे अक्षर को घटा देते हैं इसके विपरीत बाएं दाएं या दाएं बाएं विपरीत कंडीशन होती है उस कंडीशन में दोनों अक्षरों को जोड़ देते हैं देखिए इनका उदाहरण अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवें अक्षर के दाएं आठवा अक्षर क्या होगा देखिएगा प्रश्न में अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवें अक्षर के दाएं आठवा अक्षर क्या होगा पर्सन में देखिए बाएं आ गया है और दाएं आ गया जब बाएं और दाएं दोनों आ जाते हैं तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं दोनों अक्षरों को जोड़ देते हैं अर्थात सात प्लस आठ पंद्रह पंद्रवा अक्षर देखना है तो वर्णमाला में पंद्रवा अक्षर क्या होता है ओ ये हमारा आंसर या उत्तर होगा इस कंडीशन में ध्यान रखना इसके जैसे जैसे एक दूसरा उदाहरण दे रहा हूं ये विशेष ध्यान रखना वो ये रहेगा अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से अठारवे अक्षर के दाएं पंद्रवा अक्षर क्या है देखिएगा अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से अठारवे अक्षर के दाएं पंद्रवा अक्षर क्या है दाएं और दाएं, दोनों दाएं दाएं आए हैं तो कौन सा ये नियम लगेगा, दोनों दाएं दाएं हैं तो दो बड़े अक्षर में से छोटे अक्षर को घटा देते बराबर तीन अब यहां पर मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर होगा कि तीन का मतलब सी लेकिन ये गलत है ध्यान रखना नोट करके रखना इसमें और इसमें क्या फर्क है क्वेश्चन के अंदर ये सी रॉन्ग आंसर है क्योंकि यहाँ देखिए इस पर्सन ये बाय से स्टार्ट हुआ है इसलिए हमने बाय से बाए से काउंटिंग ली लेकिन ये पर्सन स्टार्ट दाएं से हो रहा है तो हमें दाएं से काउंटिंग लेनी पड़ेगी जेड से तो जेड से तीसरा अक्षर निकालेंगे तो वो क्या होगा एक्स ये हमारा उत्तर होगा यहाँ पर ध्यान रखिएगा इन दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप देखिए बाएं से मतलब फर्स्ट स्टार्टिंग शब्द बाएं आया है तो आप ए से काउंटिंग करोगे यदि इसमें देखिए सेकंड में दाएं से अर्थात स्टार्टिंग वर्ड दाएं आया है तो आप जेड से काउंटिंग करोगे तो जेड से काउंटिंग करने के लिए हो जाएगा एक्स देखिए नेक्स्ट इनके अंदर कई बार क्वेश्चन इस टाइप का रहता है वो ये रहता है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से बारहवें अक्षर तथा दाएं से आठवें अक्षर के मध्य कितने अक्षर हैं देखिएगा प्रश्न अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से बारवा अक्षर और दाएं से आठवां अक्षर के मध्य कितने अक्षर है तो देखिए सामान्य अपन ए बी सी इस प्रकार से लिखते हैं डब्ल्यू एक्स वाई जेड तो बाएं से बारवा बारवा नंबर यहां से कम कर दोगे और इधर से आठवा नंबर कम कर दोगे तो आठवां नंबर कर्म कर दो ये बारह नंबर और ये आठ नंबर बारह और आठ तो टोटल कितने हो गए बीस बारह अक्षर इधर से कम हो गए आठ अक्षर उधर से कम हो गए बीस कम हो गए तो बीस इनके दोनों के बीच में कितने अक्षर बच गए टोटल होते हैं छब्बीस तो छह हो जाएंगे छह कैसे हुए वापस देखिएगा कि बाएं से बारवा मतलब बाएं से बारह अक्षर कम कर दोगे और दाएं से आठवा मतलब आठ अक्सर कम कर दोगे बारह और आठ टोटल कितने हो गए बीस तो पीछे अक्सर कितने बच गए छब्बीस माइनस बीस बराबर तो इन दोनों के बीच में कितने अक्सर होंगे छ अक्सर होंगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से बाईस से अक्षर तथा बाएं से दसवें अक्षर के मध्य कुल कितने अक्षर हैं देखिएगा प्रश्न में बाएं से बाईसवा अक्षर और बाएं से ही दसवा अक्षर इन दोनों के मध्य कितने अक्षर है यहां से देखिए ये बाईसवा अक्षर यहां है और यहां से देखिए दसवा अक्षर यहां है तो इन दोनों के बीच में कितने अक्षर है तो इसके लिए अपन बाईस में से दस माइनस कर देंगे तो बारह लेकिन बाईसवा खुद है और दसवा ये है। तो ये हट जाएगा यहाँ दस तो माइनस हो गया लेकिन बाईसवा इसमें से और एक माइनस करना होगा माइनस वन और करेंगे तो कितने हो जाएंगे ग्यारह अक्षर माइनस वन इसलिए किया है कि बाईसवा खुद काउंट हो रहा है यहाँ पर तो बाईसवें को हटाने के लिए दस तो ये माइनस हो गए एक और माइनस कर दिया तो ग्यारह इन दोनों के मध्य ग्यारह अक्सर रहेंगे इसके अलावा रीजनिंग के वर्णमाला के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन और टॉपिक बनते हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताया जाएगा ध्यान रखिएगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइएगा धन्यवाद